छत्तीसगढ़ में अभी पूर्ण रूप से शराबबंदी हो या ना हो, लेकिन सूरजपुर जिला के कुंज नगर में एखर शुरुआत हो गए। गांव में पूरा तरह ले शराबबंदी लागू कर दिए गए। यहाँ के लोगन के मानना है कि शराब पिए ले ग्राम देवता नाराज हो गए। दरअसल जिला के जयनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत एनएच के किनारे स्थित ग्राम पंचायत कुंज नगर जहाँ शराबबंदी ल लेके एक अभियान चलाए जावत है। एकर पहली यहाँ के महिला मन घलो जागरूकता लाए बर बहुत काम करे हैं। घर घर जाके शराब छोड़ाए बर जागरूक करे के कोशिश करे रहें। एक बार फिर से ये गांव में महिला और पुरुष दोनों एक साथ मिल के पूर्ण रूप से पंचायत में शराबबंदी हो जाए एकर बर एक अभियान चलाए जावत है। साथ ही पूजा पाठ के सहारा घलो लिए है। ये दारी बकायदा जुर्माना भी लगा रखे है। पंचायत कति ले बकायदा ग्रामीण मन के साथ बैठक कर गांव में शराब बनाए और पीने वाला दोनों के ऊपर जुर्माना लगाए के फरमान जारी कर दिए गए। शराब बनवाइया ला 10,000 और उन्हें पीने वाला ऊपर 5,000 के जुर्माना लगाए गए। लोग नशा मुक्ति के विषय पर 2018 से प्रयास कर रहे थे, लेकिन रैली वगैरह सब किए, लेकिन कुछ दिन के बाद जैसा का तैसा वही नतीजा हो जाता था। लेकिन अभी हमारे कुंज नगर में सभी बुजुर्ग लोग मिल के ये कदम उठाए हैं कि ये नशा मुक्ति बंद होना चाहिए, क्योंकि सिर्फ एक घर में नहीं पूरे गांव में इसका दुष्प्रभाव पड़ रहा है, जिसका निवारण करना आवश्यक है। और इसी सब को देखते हुए यहाँ पे बुजुर्ग भाई लोग हैं, बाबा लोग हैं, सभी लोग ये निर्णय लिए हैं कि यहाँ पे नशा मुक्ति बंद करेंगे तो करेंगे। तो इसी उपलक्ष्य में यहाँ सभी मिलके 15 दिन से गांव में दिया बत्ती भी चल रहा है और सभी जगह हल्ला भी करवाया गया है सभी पारा मोहल्ला में कि इसको बंद करवाया जाए और देखिए इसका परिणाम क्या निकलता है। किस तरह से आप खुद अभियान चलाए हुए हैं, चला चुके हैं और महिलाओं का हाथ बहुत बड़ा, जब तक आप लोग उसमें रुचि नहीं होंगे सक्रिय और जब तक सहयोग नहीं होगा तो कहीं ना कहीं उसमें सफलता नहीं मिल पाएगी। आप लोग का किस तरह से रुचि रहेगा, किस तरह से इस आयोजन को सफल बनाने में आप लोग का आगे रुचि रहेगा? रुचि तो हम लोग पहले से बढ़ चढ़ के ले रहे हैं और अभी भी हमसे जो कुछ हो पड़ेगा हम करेंगे, इसके लिए हम पीछे नहीं है, जो भी निर्देश देंगे हम लोग करेंगे। हमारे गाँव में ऐसे ऐसे परिवार हैं जो कि 30 से 25 वर्ष की आयु में डट कर जा रहे हैं शराब पी के, अब वो विधवा हो जा रहे हैं और गांव में इतने हो गया है कि हम लोग देख के नए नए यंग लड़कियों को देख के बड़ी दुख लगता है कि भाई बताओ ये लोग ज़िंदगी, इतनी बड़ी ज़िंदगी कैसे ये लोग पार करेंगे, और छोटे छोटे बच्चे किसी का है, किसी का और कुछ है। और यहाँ इसी को देखते हुए हम लोग सोचे कि नहीं भाई इसको शराब को बंद करवाया जाए, और बंद हो जाता है तो हमारी की बेटी बहू सुरक्षित तो रहेंगे शराब के चलते। ये सारी चीज़ों के लिए इसीलिए हम लोग अभियान चलाए हुए हैं। क्या चाहते इस अभियान को हर तरफ समर्थन मिलना चाहिए, क्या चाहते हैं कि पूरे प्रदेश में? जी पूरा प्रदेश में अभियान चलना चाहिए, हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश में चलना चाहिए। ये शराब ऐसा है क्या कि एक तो कहते हैं ना ये आदिवासी लोग ही शराब 5 लीटर का छूट दिया गया है, आदिवासियों के नाम पर गैर आदिवासी लोग भी बनाना शुरू कर दिए, ये गलत है। इसलिए पूरे प्रदेश में जाना चाहिए कि पूरे शराबबंदी पूरा बंद हो।